यूं तो हलीम बिरयानी आपने बहुत सारी जगह की खाई होंगी, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि पान मंडी में मिलने वाली ये है ओरिजिनल और ऑथेंटिक हलीम बिरयानी। ऐसा मैंने नहीं कहा, ऐसा शिकरे भाई का दावा है। एक ही नाम था यहाँ पर, रेहान शिकरा, तो जगह जगह हलीम बिरयानी लगी हुई है। भाई जो एक बार शिकरे भाई की पान मंडी वाली ये हलीम बिरयानी खाता है ना, तो यकीन मानो रमजान के 300 दिन क्या हर बार ही उसको रमजान याद आ जाता है। और आप रश चेक कर सकते हैं कि सामने वाले कार्ट में भी उतना ही रश है जितना यहाँ वाले भाई साहब के पास रश है, क्योंकि इसका टेस्ट जितना ही मुनफरिद और लाजवाब है उतनी ही इनकी फैन फॉलोइंग भी है। हेलो फूडी व्यूअर, आज की सहरी मैं करने वाली हूँ पान मंडी में, लेकिन आखिर कोई ये पान मंडी है क्या, इन्हीं से पूछ लेते हैं। रौनकों में से एक रौनक है पान मंडी। यू हर्ड मी राइट, पान मंडी रमजान की वो ऐसी फूड स्ट्रीट है जो सहरी के वक्त और इफ्तारी के वक्त ऐसी रौनकें जगा रही होती है, क्या ही बंस रोड ने और सैनाबाद ने लगाई हो। यकीन नहीं आ रहा है, यहाँ पे कलेजी का कार्ट है सहरी के वक्त, यहाँ पे चाय का कार्ट है, यहाँ पे आपको मिल रही है माल पूरे मिल रहे हैं, बोरी फैमिलीज यहाँ पे आई हुई है, मीमन फैमिलीज यहाँ पे आई हुई है, बेशुमार यहाँ पे रश है, पर हम तो सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन को टेस्ट करने के लिए आए हैं, वो है शिकरे भाई की ऑथेंटिक ओजी हलीम बिरयानी का डेडली कॉम्बिनेशन। क्या कहते हो फिर? अच्छा, रमजान में भी यहाँ पे अलग ही सीन पान मंडी पे खुला हुआ होता है, एक हलीम बिरयानी इधर है और फिर एक हलीम बिरयानी ये है सिंस 1990 रेहान शिकरे भाई की, और फिर एक हलीम बिरयानी वो थी हाजी साहब की जो हमने आपको दिखाई। तो रमजान जैसे ही आता है वहाँ पे मेमनी हलीम बिरयानी का रुझान ऐसे शुरू होता है, और आप रश चेक कर सकते हैं कि सामने वाले कार्ट में भी उतना ही रश है जितना यहाँ वाले भाई साहब के पास रश है। स्पेशली रमजानों में मिलती है बिरयानी, बहुत अच्छी बिरयानी है इनकी, माशाल्लाह से बहुत मशहूर है हलीम बिरयानी वाले, में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे। बहुत अच्छी शेखरा हलीम बिरयानी है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 6 साल से खा रहा हूँ और इतने मजे की है, दोनों का कंपटीशन किया जाए तो कोई जीतेगा नहीं। जिस तरीके से फेम है यहाँ पर उस तरीके से है नहीं इतनी अच्छी बिरयानी। हाँ, बूटियाँ वगैरह थोड़ी सी कच्ची थी और चावलों में भी थोड़ा सा कच्चा बनता, वो वाला टेस्ट नहीं मिला जैसा सुना था हमने। ये समझ लें हमारा ये दिल्ली से चलता हुआ आ रहा है माशाल्लाह से, और ये हमारे दादा के टाइम से, परदादा के टाइम से दिल्ली से चल रहा है, उसके बाद यहाँ पर हम लोग पाकिस्तान जब बना था तो यहाँ पर आए थे, तो यही कारोबार हमारा स्टार्ट था यहाँ पर, और यहाँ पे समझ ले मेरे वालिद साहब, मेरे दादा, और अब मैं हूँ, अब मैं कर रहा हूँ, फिर मेरा बेटा ये रहा छोटा शिकरा, एक ही नाम था यहाँ पर रेहान शिकरा, तो जगह जगह हलीम बिरयानी लगी हुई है। अच्छा भाई, ये हलीम चावल को ना हमने इस तरह से मिक्स कर दिया है, तो ये सादी जो गोश्त वाली बिरयानी होती है ना, ये बिल्कुल उस तरह की है, और साथ में इन्होंने इसकी जो है ना ये बोटियाँ भी दी हुई हैं, ये देखें ज़रा। अच्छा, बोटियाँ ना काफ़ी सख्त है, हम आगे वाली भी हलीम बिरयानी खाने के लिए गए थे, उनकी भी सख्त है। अच्छा, ये जो है फुल ऑन दोनों कंपेटिटर्स हैं, एक कंपेटिटर ये है और दूसरा जो हमने आपको पहले ब्लॉग में दिखाया था वो वाले, तो इसको अब टेस्ट करते हैं कि इनकी ये जो कॉम्बिनेशन है हलीम बिरयानी का, ये कैसा कॉम्बिनेशन है, खासा वियर्ड कॉम्बिनेशन है। नमक थोड़ा ज़्यादा है, अलबत्त एज कम्पेयर टू जो हमने पहले खाया था उससे ज़्यादा अच्छी ये वाली है, क्योंकि ये फ्लेवरफुल भी है और इसका अलग से टेस्ट आ रहा है, हलीम का अलग से टेस्ट आ रहा है, बिरयानी का अलग से टेस्ट आ रहा है, बट जो हमने पहले खाई थी वो बस थोड़ी सी नॉर्मल थी, वो थोड़ा दाल चावल टाइप टेस्ट कर रही थी, ये अच्छी। और अब मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे जो रश लगा हुआ है ना लोगों का, एक पे एक एक पे एक देख आ रही है, कोई बड़ी दुकान नहीं है, कोई ज़्यादा शुष्का नहीं है, छोटा सा कार्ट है जिसको उन्होंने लाइटें करके इस तरह से चमकाया हुआ है। पान मंडी में मैं ऐसा खड़ी हुई हूँ और रात का इस वक्त 2:16 हो रहे हैं रात के, शहरी में कुछ ही वक्त रह गया है तो हम ये कर रहे हैं ख़त्म, और आपसे मुलाकात होती है कौन मज़ेदार से रमजान फूड सीरीज के एपिसोड में। दिस इज मी हिरा साइनिंग ऑफ फ्रॉम वेयर इज द फूड, स्टे ट्यून्ड। ये पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।